वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। गाइस उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्लिपकार्ट पर दिवाली सेल की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के अलावा एक्सिस बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन कितना तेज है ये चीज तो आप अच्छे से जानते होंगे। हर 10 से 15 दिन में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हो जाता है। लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन सा फोन लिया जाए और कौन से फोन को इग्नोर किया जाए। हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक स्मार्टफोन पर 10,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। अगर आपका बजट एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे स्मार्टफोन जो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हैं, यानी कि पैसा वसूल स्मार्टफोन हैं। वीडियो को लाइक करके शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल बाकी रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर आके भी मुझे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने की। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्मार्टफोन है पोको M2। अगर आपका बजट एक स्मार्टफोन बाय करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए हैं, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते, तो ये फोन आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। लेकिन फ्लिपकार्ट दिवाली सेल में ये फोन आपको मिलेगा 10,000 रुपए में। और अगर आपके पास एक्सिस बैंक का डेबिट और क्रेडिट कार्ड है तो उसके ऊपर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, काफी अच्छी डील है, इसे आप बिना डाउट ग्रैब कर सकते हैं। 6.53 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5000mAh की बड़ी बैटरी, MediaTek Helio G80 प्रोसेसर जो इस प्राइस पॉइंट पर काफी अच्छा चिपसेट है, 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज जिसे आप माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ा भी सकते हैं। टेम्पर ग्लास और बैक केस लगाकर आप ये फोन को यूज करना, आपके आराम से 2 साल निकल जाएंगे। दूसरा स्मार्टफोन है Realme Narzo 20A। अगर आपका बजट एक स्मार्टफोन बाय करने के लिए 8,500 रुपए हैं, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते, तो डेफिनेटली आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आप एक्सिस बैंक के कार्ड से ले सकते हैं, यानी कि जो इफेक्टिव प्राइस होगी 7,750 रुपए, काफी अमेजिंग डील है, इसे आप ग्रैब कर सकते हैं। Qualcomm Snapdragon 665 प्रोसेसर जो इस प्राइस पॉइंट पर आज की डेट में Realme के अलावा कोई दूसरी ब्रांड ऑफर नहीं करती। 5000 mAh की बड़ी बैटरी, 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले, 12 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज जिसे आप माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ा सकते हैं। सिक्योरिटी के मामले में फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक, ये दोनों चीज़ें आपको इस फोन में दी गई हैं। मेरे ख्याल से 8,500 रुपये में ये सबसे अच्छा फोन है, डेफिनेटली आप इस फोन के साथ जा सकते हैं। तीसरा स्मार्टफोन है पोको C3। अगर आपका बजट 7,500 रुपये है, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते, तो उस कंडीशन में आप ये फोन के साथ जा सकते हैं। आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी और 10% का आप बैंक डिस्काउंट भी लगा सकते हैं। 6.53 इंच की HD प्लस डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 5 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5000 mAh की बड़ी बैटरी, MediaTek Helio G35 चिपसेट, 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज जिसे आप ड्यूअल सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड लगाकर बढ़ा सकते हैं। यहां पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये चीज आपको थोड़ी सी झेलनी पड़ेगी। बाकी ओवरऑल 7,500 रुपए में आप इस फोन के साथ जा सकते हैं, आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। चौथा स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस। अगर आपका बजट 7,000 से नीचे है तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। 7,000 रुपए में आज की डेट में सबसे बड़ी डिस्प्ले और सबसे बड़ी बैटरी वाला ये फोन है। साथ ही साथ इस प्राइस रेंज में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक स्मार्टफोन पर ज्यादा देर तक वीडियो देखना पसंद करते हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया एप्लीकेशन को ज्यादा यूज करते हैं, तो ये फोन उन लोगों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। सिर्फ एक चीज के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अगर आप ज्यादा गेमिंग करते हो तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। 6.8 इंच की HD प्लस डिस्प्ले, 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज, ड्यूअल सिम के साथ डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट, 13 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरास का सेटअप, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, 6000mAh की मॉन्स्टर बैटरी, MediaTek Helio A25 चिपसेट, प्राइस को देखते हुए फोन जस्टिफाई है, सिर्फ गेमिंग के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पांचवां स्मार्टफोन है Xiaomi Max।
अगर आपका बजट 5000 से लेकर 6000 के बीच में है तो आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। एंट्री लेवल स्मार्टफोन है तो इस फोन से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सेकेंडरी डिवाइस के तौर पर आप इस फोन के साथ जा सकते हैं। तो ये हैं वो 5 स्मार्टफोन जो आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के मुताबिक बाय कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने की। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।